सो स्वागत करते हैं क्लासेज की। और ये जो क्लास है आपकी परसेंटेज की तीसरी क्लासेज है, और इससे पहले आपकी दो क्लास हो चुकी है। और शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, तो क्या से आप लोगों का आया, तो आप लोग कमेंट क्या होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हमने कर लिए थे। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अच्छा, ये भी हो गया है। काफी क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 80 नंबर पे है ना, मतलब वो पेज आ रहे थे हमारे पास। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या को बढ़ाया गया 5%, उसकी ऊंचाई को बढ़ाया गया कितना, 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने की वृद्धि हुई। देखो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। दो बार तो आर होता है, एक बार एच। तो मेरे पास जो 5 की वृद्धि हो रही है वो एक नहीं है, वो कितनी है, दो वृद्धियां हो रही है। कितनी, दो वृद्धियां हो रही है। लगाओ नेट पैक दोनों में, क्या करेंगे, 5 + 5 + 5 गुना 5/100 हो गया। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 10, तो 10.25 हो जाएगा। कितना आएगा, 10.25, इतना हो गया। ये वृद्धि निकल कर आ गई मेरे पास। एक दर रखा मेरे पास 10% की, क्या कमी तो नहीं गई, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, वृद्धि निकल रखा है, अरे गलती हो गई थी एक बार। ठीक है, और फिर लगाओ नेट पैक, क्या करेंगे, 10.25 + 10 + 10 = 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 उठाएंगे यहाँ से, इससे कट गया। ठीक है ना, अब लोग क्या करेंगे, पॉइंट ही लगा देंगे इससे बढ़िया। तो कितना हो गया ये, 20.25 + 1 2 3 1 2 3 कितना आएगा, 1.025। अब इनको ऐड कर देंगे, इनको जब हम लोग ऐड करेंगे कितना आएगा मेरे पास, ये 5 5 और 2 7, उसके बाद में 2.20 और 1 21, कितना आएगा मेरे पास, 21.275%। दिया गया 21.275%। ऑप्शन नंबर क्या रखा है, डी वाला, कुछ दूसरा दिख रहा है क्या इस पे। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, अगले क्वेश्चन चेक करते हैं, और इसमें ऐसा हुआ तो फिर आप चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक गन की ऊर्जा सही होगा। ठीक है, एक गन की ऊर्जा क्या करता है, 10% वृद्धि करता है। देखो हर क्वेश्चन में पैटर्न चेंज हो रहा है, हर क्वेश्चन में टाइप चेंज हो रहा है। तो मैं क्या दिया हुआ है कि गन की भुजा, भुजा दे रखी है, 10% की क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। ठीक है, वृद्धि कर रहा है। तो मुझे बताया गन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, आयतन जो होता है गन का क्या होता है, भुजा क्यूब। तो मेरे को पता पड़ गया, तो वृद्धि जो हो रही है वो 10% की नहीं है, वो कितनी है, 3 वृद्धियां, 3 लंबाई 4 ऊंचाई, तीनों में किया गया है। ठीक है ना, तो 10% की वृद्धि, दूसरी फिर 10 की वृद्धि, तीसरी फिर 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या करेंगे, लगाओ नेट पैक, और नेट पैक लगता है 2 में, इन दोनों में लगाएंगे पहले। बटे 100 हो गया, 2 0 2 0 कट गया, 10 और 10 10 20 और 1 21, कितना हो गया, 21% की वृद्धि। उसके बाद ये 10% की वृद्धि हो गई। लगाओ नेट पैक, 21 + 10 + 21 × 10 / 100 हो गया, कट गया 31.1, कितना हो गया, 33.1% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अब पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का, अब लेवल देख लेते हैं, धीमे धीमे करके सभी लेवल पे आ जाएंगे भाई। ठीक है, 2 संख्या की 30 संख्या थे, मुझे पता है कि यहाँ पे संख्या दे रखी है मेरे पास, 3 संख्या है, ए बी और सी। मेरे पास 3 संख्या है, ए बी और सी। ये कह रहा है 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मैंने मान ली 100 है,
तीस संख्या 100 मान ली, एक संख्या 25% क्या है कम है, दूसरी 20%, ये 25 कम है और ये वाली 20% कम है, क्रम से दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या कितनी कम होगी 25, दूसरी कम होगी 20, ठीक है। अब क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखो दूसरी संख्या का मतलब अपॉन में आएगी, ये 75/100, 25 से 3 बार, 25 से ये सॉरी कितना दिया है 20 से काट लो, 20 से 4 बार और 20 से ये 5 बार, 5×5 कितना हो गया 25, 5×35 36 हो गया बटे 4 से काटो से 4×36 हो गया, 1×36 12 हो गया पॉइंट, 3×30 हो गया 4×28 और 4×5 20 कितना आ गया 93.75। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% और 25% देखें, ठीक है। तो मैंने बताया तीन संख्या मान लो ए बी और सी, तीन संख्या मैंने मान ली, ठीक है। इसके बाद में तीसरी संख्या को मैं 100 मान लिया, उसके बाद में ये कितनी कम ज्यादा है 25/2, 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5%, तो 100 से 12.5% अधिक मतलब कितना होगा 112.5, ये 25% 125 हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद में क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, पहली संख्या 112.5/125 बोला 100 हो गया, ये हटाया 0 कट गया। अब 25 से 5 बार, 25×100 12×25 25×5 125, अब 5 से 9 बार, 9×10 कितना होगा, 9×10 होता है मेरे पास 90%, कितना 90% क्या आएगा, जो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है 90% के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन का पूरा पैटर्न क्या कर दिया, वो चेंज कर दिया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी चीज मैं समझा रहा हूं वो समझ लो, पहली चीज आय कैसे बनती है, आय कैसे बनती है बचत प्लस खर्च, भाई जो हमें इनकम मिलती है उसमें से क्या होता है खर्च करते हैं, जो बच जाता है उसको हम सेविंग कर लेते हैं। इससे एक पहलू निकल कर आता है कि मेरे पास जो आय आ रही निकल कर इसको मिटा ही देता हूं मैं, आय बराबर खर्च प्लस की बचत, आय कैसे बनती है, खर्च को बचत में जोड़ने से क्या बनती है, मेरे पास आय बनती है, ठीक है। अभी क्या कहता है 75% खर्च करता है किसका, आय का, तो मैंने क्या किया एक तरफ आय मान लिया, वो खर्च भी कर रहा है, भाई खर्च कर रहा है तो कुछ बचेगा भी तो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आय मान ली 100 उसकी, 75 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा होगा 25 की बचत कर रहा होगा, भाई इसकी आय 100 है 75% खर्च कर रहा है तो 25 की बचत कर रहा होगा, ठीक है। अनंता उसकी आय में 20% बढ़ा दी, भाई वो कह रहा है 100 नहीं मेरी आय, अब 20% बढ़ा दी है, कितनी बढ़ा दी 20%, कितनी हो गई 120, अब उसका खर्चा ही बढ़ाया गया होगा, फिर आय बढ़ी तो खर्चा ही बढ़ा होगा 15% की वृद्धि की, तो 15% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा 75 में हम लोग 115% निकालेंगे, कितना होगा 25×75 25×100 हो गया, कितना होगा 345/4, 4 से काटो 4×8 32 हो गया, 2×4×24 पॉइंट, 4×2×4×5 20 कितना हो गया 86.25, मतलब पहले आय 100 थी खर्चा 25 था बचत 25 हो गई, सॉरी खर्चा 75 था बचत 25 हो गई, जब 20% आय बढ़ा दी 120 हो गई, खर्चा 15 बढ़ा दिया 15% तो 86.25 हो गया। अब मेरे पास बचत कितनी आएगी, यहाँ पे बचत निकालो इसमें से घटाओ, यहाँ पॉइंट लगा लिया
मेरे पास बचा कितना 7 5, ठीक है। इसके बाद में 9 से 6 गया तो 3 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ बचेगा कितना 11 से 8 गया तो 3, मतलब पहले मेरी बचत कितनी 25 थी, अब कितनी हो रही है 33.75, कितना हो रहा है 8.75 की क्या हो रही है वृद्धि, कितने पर 25 पर गुणा 100, क्योंकि 25 निकालना मुझे, 25 से 4 बार 4 5 20, 2 4 7 28 29, 3 4 32 3, 35 और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 35% की क्या होगी मेरे पास वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी 35% की आपको वृद्धि हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैं इसके बाद एक और लेके आता हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक बार एक और लेके आता हूँ, सेम क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, डेट चेंज कर दिए, क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा ही है, ऐसे क्वेश्चन लगभग इसको प्रेस करते करने का। मैं फिर से समझाता हूं एक बार, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति है जिसकी आय है, खर्चा भी है तो बचत भी करेगा, उसको कुछ बचत भी कर लेगा, वो कुछ बचत भी करेगा, आय मैंने 100 मान ली, 75 खर्च कर रहा है, कितना हो गया 25 ही बचत करेगा, 20% बढ़ा दी, कितना हो गया 120, 10 की वृद्धि कर रहा है, 10 की वृद्धि कर रहा है, इससे 110%, इसका 10% निकालेंगे, 75 का 10% होता है 7.5 को 7.5 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 82.5, 7 5 12, कितना हो गया 82.5 हो जाएगा, ठीक है 82.5 होगा। अब कितना हो रहा है मेरे पास, जब 0.5, 9 से 2 गया तो 7 और 11 से 8 गया तो 3, मतलब मेरी बचत पहले कितनी थी 25, अब हो रही कितनी 37.5, कितनी हो रही है 37.5, कितनी वृद्धि हो रही है मेरे पास, कितनी हो रही है 12.5 की वृद्धि हो रही है, कितने पर 25 पर गुणा 100, 25 से कट गया 4 बार, 125 कितना होता है 400 और 25 100, 1 यानी कि 500 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया ये मेरे पास 50% की क्या हो जाएगी मेरे पास वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर मेरे पास डी हो जाएगा। भाई कोई डाउट किसी बच्चे को, ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट हो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम बनता रहता है, मोस्टली बनता रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। देखो किसी परीक्षा में एक है लड़के या 800 लड़की है, लिख लो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 1000, 800 लड़कियां हैं, ठीक है टोटल कितने हो गए, मतलब टोटल विद्यार्थी मेरे पास TS, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास 1800 है, लड़के 60% लड़कियों 50% उत्तीर्ण होते हैं, क्या पूछा है अनुत्तीर्ण पूछा है, क्या पूछा है अनुत्तीर्ण। तो देखो लड़के यदि 60% पास हो रहे हैं, लड़के यदि 60% पास हो रहे हैं तो 40% क्या हो रहे होंगे फेल हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे फेल हो रहे होंगे, इसका 40% निकल कर आएगा कितना 400। उसके बाद 50% लड़कियां फेल हो रही है और 50 पास हो रही है, फेल हो रही है ना, कितना हो गया इसका 400 हो गया। अब क्या पूछा है उनका प्रतिशत ज्ञात करो अनुत्तीर्ण का जो फेल हुए हैं, भाई ये फेल ही तो है, ये 400 कितना हो गया टोटल हो गया 800, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1800 में से 800 बच्चे फेल हो गए, 800 बच्चे फेल हो गए कितने में से 1800 में से, ये तो भिन्न आ गई, ये तो भिन्न आ गई ना, क्या निकालना है प्रतिशत मुझे निकालना है, प्रतिशत निकालना है मुझे, कट गया 2 से 9 बार 2 से 400, 9 से काटो से 9 से 36 हो गया, 4 बचा 9 से 36 हो गया 4 4, मतलब मेरे अंदर कितना निकल कर आएगा आंसर 4.44%, कैसे होंगे फेल का प्रतिशत है, कितना फेल का, जो बच्चे फेल हुए हैं ये उनका पसंद है, कितना दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, 2 1 पॉइंटर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आप लोग सी टिक कर सकोगे, कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन देखते,
क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का दिया हुआ, ठीक है, कोई विद्यालय है जिसमें बॉयज और गर्ल्स है, किस अनुपात में, 3:2 में दिए हुए हैं, किसमें, 3:2 में दिए हुए हैं। अच्छा, अनुपात को मैं यदि 300-200 मान सकता हूँ क्या, किसी भी अनुपात में किसी संख्या का गुणा या भाग करने पर उसके सापेक्षिक मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसी अनुपात में किसी संख्या जोड़ने व घटाने पर उसके सापेक्षिक मान पर प्रभाव पड़ता है। मतलब अनुपात में हम डायरेक्टली किसी संख्या को नहीं जोड़ सकते, लेकिन गुणा या भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या है, 20% लड़के 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है, लेकिन पूछा क्या है, छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो मैंने क्या कहा, 20% छात्रवृत्ति लेते हैं, मतलब 80% विद्यार्थी यानी कि लड़के ऐसे होंगे जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेते, 300 का 80% होता है 240, ठीक है। अब 200 की बात करते हैं, 30% छात्रवृत्ति नहीं लेते, मतलब 70% छात्रवृत्ति क्या करते होंगे, 30% लेते हैं और ये 70% नहीं लेते होंगे, कितना हो गया इसका, 10% 20 और 70% 140 हो जाएगा, क्लियर है। अभी कितना होगा, ये जोड़ लूंगा, मेरे पास 380 हो जाएगा, क्या बोले, और टोटल कितना हो गया, ये 500, मतलब कि ये है कि 500 में से 380 विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते, लेकिन भाई उनका प्रतिशत मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 500 गुणा 100 कट गया, 5 5 7 35, 3 5 5 31, कितना है मेरे पास, 76% कर आएगा, कितना आएगा, 76, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो किसी को भी कमेंट करके बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं, देखो गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स दे रखे 900 और बॉयज दे रखे मेरे पास कितने, 1100 दे रखे, इनमें से 40% लड़की है, 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण का पूछा है, ये क्या कर रहा है, लड़के 40% पास होते हैं तो 60% फेल हुए होंगे, कितने, 60% क्या होंगे, फेल होंगे, 10% 90 9 5 54, 540, आपको प्रतिशत ऐसे निकालना है, समझ में आ रहा है ना, 50% फेल पास हो रही है तो 50% क्या होंगे, वो फेल होंगे, कितना होगा इसका, 50% 550 जोड़ लो, 900 1000 90, मतलब ये कितना दिया है, 2000 में से 1090 बच्चे कैसे हैं जो कि फेल है, अनुत्तीर्ण है, 1 2 3 1 2 3 काटो से, 2 5 10 2 4 8 point 2 5 10 54.5 कहीं आ रहा है, रद्द कर दिया क्या मैंने, ये मैंने काटा कि 2 से 5 बार 2 4 8 एक बचेगा और 2 5 10 आना चाहिए, 54.5 आना चाहिए, 4 कैसे लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 60% 9 6 54 540 हो गया, 50% कितना हो गया, 550, 50 500 1000 हो गया, 1090 हो गया, ये 1100 9 2000, 2000 बटे 1090 हो गया, 1 2 3 1 2 3 दो से काटेंगे, 2 5 10 2 4 8.5 भाई इतना ही आएगा, 54.5 इसको डालो, 54.5% कर लो भाई, आप क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते, अब आपके सही बार टाइम देखना कितना हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन ना आपको कमेंट करके बताओगे टाइम हो गया क्लासेज क्यों, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराना। अब आपको क्वेश्चन जो आए ना, ये रेंट वेंट वाले क्वेश्चन आ गए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और मुझे कमेंट करके बताया करो भाई कि क्लास कैसी लगती है, कोई इम्प्रूव करना है मुझे स्पीड में या क्वालिटी में, कैसा भी लेवल आपको कैसा दिखता हो, तो मुझे कमेंट करके बताया करो, और उम्मीद करता हूँ क्लासेज पसंद ही आई होगी, और पसंद है वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।